everyone, I'm Bhavna Sahani, the founder of Futuristic Academy, and I'm back with a new video for class 9 economics, the story of village Palampur. So in this video we are doing the part 3 of this chapter, which is the last part of this chapter. Aur jisne abhi tak part 1 ya part 2 nahi dekha, you can see it, the link of the part 1 and part 2 of this chapter is given in the description box. So let's get started with the part 3 of this chapter. Covering these topic, and in these topic we will be studying how the land is distributed in Palampur. तो land distribution में आपने क्या पढ़ना है, land distribution में आपने यही पढ़ना है that how land is distributed in Palampur. So you already know in this we are studying about the hypothetical village Palampur. तो उसी में ही पढ़ेंगे कि land वहाँ पे distribute कैसे किया जाता है. All right, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है कि labor कौन provide करता है, who provides labor in Palampur. फिर कैपिटल जनरेट कैसे होती है फार्म्स में, एंड व्हाट आर दी अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो पालमपुर में की जाती है. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. सो पहला है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए. तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में अब आपने क्या पढ़ना है, सी टोटल फैमिलीज जो पालमपुर में थी वो 450 थी, राइट. और 450 फैमिलीज में से लैंडलेस फैमिलीज थी 150, जिनके पास लैंड नहीं था, ठीक है. कुछ लोग थे जिनके पास लेस देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड था. तो आउट ऑफ 450 फैमिली 150 फैमिलीज वर लैंडलेस, जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं था. 240 फैमिलीज के पास 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड था, और 60 फैमिलीज जो थी वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में एंगेज थी, वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से पैसे अर्न करती थी, राइट. अगर मैं लार्ज फार्मर्स की बात करूं तो लार्ज फार्मर्स के पास 80% ऑफ लैंड था, राइट. लार्ज फार्मर्स के पास कितना लैंड था, 80% ऑफ लैंड. अगर मैं स्मॉल फार्मर्स की बात करूं तो स्मॉल फार्मर्स के पास था 20% ऑफ लैंड, राइट. तो जो लार्ज फार्मर्स की पॉपुलेशन थी वो 100 में से 20% थी, मतलब कि लार्ज फार्मर्स जो थे कम थे पॉपुलेशन पे, पर उनके पास मेजोरिटी ऑफ लैंड था. और जो स्मॉल फार्मर्स थे वो बहुत ज्यादा थे पॉपुलेशन पे, बट उनके पास माइनॉरिटी ऑफ लैंड था, राइट. अब ये देखो, ये हो गया पूरा नंबर ऑफ पीपल इन पालमपुर, राइट. इसमें से ये पूरा 80% स्मॉल फार्मर्स थे और ये 20% लार्ज फार्मर्स थे, राइट. और ये लैंड की अगर मैं बात करूं, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट लैंड, तो ये 80% ऑफ लैंड, कैन यू सी दिस 80% ऑफ लैंड, ये 80% ऑफ लैंड लार्ज फार्मर्स के पास था और ये 20% ऑफ लैंड स्मॉल फार्मर्स के पास था. मतलब इस 80% ऑफ लैंड में 20% ऑफ लार्ज फार्मर्स वर लिविंग, और इस 20% लैंड में 80% ऑफ स्मॉल फार्मर्स वर लिविंग. मतलब कि जो लार्ज फार्मर्स थे वो पॉपुलेशन में कम थे लेकिन लैंड उनके पास ज्यादा था, और जो स्मॉल फार्मर्स थे वो पॉपुलेशन में ज्यादा थे लेकिन लैंड उनके पास बहुत कम था. ऑलराइट, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपने इतना ही पढ़ना है. अब इस स्लाइड में आपने पढ़ना है हु प्रोवाइड्स लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है. अगर मैं लेबर की बात करूं तो तीन तरह के लेबर थे पालमपुर पे. एक था लार्ज फार्मर्स, राइट. लार्ज फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, ओके. लार्ज फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स एंड मीडियम फार्मर्स. और जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास जो लैंड था इट वॉज लेस देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड. तो जो स्मॉल फार्मर्स थे, या तो उनके पास जो लैंड था वो 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड था, या उनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं था, दे वो लैंडलेस, ठीक है. आर देन, और अगर उनके पास लेस देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड था या फिर लैंड था ही नहीं, तो दे वर हायर्ड बाय लार्ज फार्मर्स. तो उनको लार्ज फार्मर्स हायर करते थे, और इनको मिलना चाहिए था 115 रुपीज पर डे अकॉर्डिंग टू इंडियन वेज रेट. तो हमारा जो इंडियन वेज रेट का लॉ था वो ये कह रहा था कि हर एक फार्मर को 115 रुपए मिलने चाहिए पर डे के हिसाब से, लेकिन पालमपुर में ऐसा नहीं था, दे वर गेटिंग ओनली 80 रुपीज, ओके. तो पर ऐसा क्यों था, पालमपुर में 115 रुपए की जगह 80 रुपए क्यों मिल रहे थे और लोग क्यों ले रहे थे, क्योंकि जो लेबर्स थे वो ज्यादा थे, लेबर्स वर मोर इन नंबर, और जो जॉब्स थी वो लेस थी. मतलब कि इजिली हम रिप्लेस कर सकते थे किसी भी लेबर को, क्योंकि लेबर्स वर मोर एंड जॉब्स वर लेस. तो कम अमाउंट ऑफ मनी में लोग मान जाते थे काम करने के लिए, राइट. सो दे एक्सेप्ट व्हाट एवर पे इज गिवन टू देम, ताकि उनको काम मिल जाए और वो अर्न कर सके. सो डिफरेंट एरिया पे इज डिफरेंटली. अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट इंडिया में अलग अलग
अलग एरियाज है और अलग अलग एरिया अपने हिसाब से पे करता है. जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे लेबर भी ज्यादा है, और अगर लेबर ज्यादा है तो जॉब कम होगी, इजिली हम रिप्लेस कर पाएंगे लेबर को, तो वहाँ पे वेजेस ऑटोमेटिकली कम मिलेंगी. और जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और जॉब ज्यादा है तो वहाँ पे जो लेबर है कम है हम इजिली रिप्लेस नहीं कर सकते, तो वहाँ पे सैलरी और वेजेस हमेशा ज्यादा मिलती है. ऑलराइट, क्लियर? सो बेसिकली हाई पॉपुलेशन विद मीन्स हाई लेबर सप्लाई विच मीन्स लो वेजेस. ऑलराइट, फिर नेक्स्ट आता है कैपिटल कैसे जनरेट होती थी पालमपुर में. अगर मैं कैपिटल जनरेशन की बात करूँ तो जो स्मॉल फार्मर्स थे वो एक तो मनी बोरो करते थे. किससे मनी बोरो करते थे? मनी लेंडर से, जमींदार से. ठीक है, फिर वो पे नहीं कर पाते थे, दे आर नॉट एबल टू पे बैक. अगर उनकी क्रॉप्स फेल हो जाती थी, स्मॉल फार्मर्स क्या करते थे, पहले पैसे उधार पे लेते थे मनी लेंडर से या जमींदार से, और अगर उनकी क्रॉप फेल हो जाती थी तो वो उसको वापस पे नहीं कर पाते थे, और वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे, एक ट्रैप में फंस जाते थे, कर्जे में फंस जाते थे. एक से कर्जा उठाते थे, दूसरे को पे करते थे, दूसरे से कर्जा उठाते थे, तीसरे को पे करते थे. ठीक है, और फिर वो लेटर ऑन एंड में डेब्ट ट्रैप में फंसने के अलावा जब उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती थी वो सुसाइड कमिट करते थे. राइट, और अगर मैं यही लार्ज फार्मर्स की बात करूं तो लार्ज फार्मर्स क्या करते थे? स्मॉल फार्मर्स को हायर करते थे. राइट, स्मॉल फार्मर्स को हायर करते थे, दे प्रोड्यूस क्रॉप, क्रॉप्स को बेचते थे, पैसे कमाते थे और अपने बैंक में सेव करते थे, और बैंक में जो पैसे सेव करते थे दे यूज इट टू बाय द वर्किंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर. तो उनको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती थी. तो दिस इज हाउ द कैपिटल वॉज जनरेटेड इन पालमपुर. और अगर मैं दूसरे विलेजेस की बात करूँ इंडिया में, वहां पे भी ऐसे ही कैपिटल जनरेट होती है. ऑलराइट, और उसके बाद आ जाते हैं कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जो कि लास्ट टॉपिक है आपका. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होती है जिसमें हम एग्रीकल्चर को नहीं करते? राइट, जिसमें हम फार्मिंग एक्टिविटीज नहीं करते. राइट, तो डेयरी फार्मिंग, कैटल रियरिंग, शॉपकीपिंग, चिलिंग सेंटर्स, सेलिंग आइस, ट्रांसपोर्टेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सारी जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है जो पालमपुर में परफॉर्म होती थी. मोर ओवर की और भी इंडिया के विलेजेस में परफॉर्म की जाती है. ऑल राइट, सो हेयर द चैप्टर इज फिनिश्ड, एंड जिसने अभी तक पार्ट वन एंड पार्ट टू नहीं देखा है काइंडली सी इट, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस. ऑल राइट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन online or offline classes, kindly contact us to the number given below in the video. And yes, do not forget to subscribe our channel if you like our video, and do not forget to ring the bell icon for the notification of my upcoming videos. And you can reach us out on Instagram, Facebook or Telegram for the PDF notes of this chapter. So I will be meeting you guys super soon in my next video. So bye bye everyone.